मोहम्मद तेरे बाप का नाम, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे करके घटिया स्लोगन जो है रेस किए जा रहे। ये मैं आपको बता दूं, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और आरएसएस के द्वारा ऐसे स्लोगन्स लगाए जा रहे। साथ ही साथ ऐसे स्लोगन्स, ये नहीं कि ये पहली बार हमारे हिंदुस्तान में हुआ, इससे पहले भी एक और स्लोगन जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, वो ये था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। माननीय মুখ্যমন্ত্রী কাছে আমাদের আরজি, আমাদের আবেদন, বাংলার মুসলমান সমাজ আপনাকে সরকারে বসিয়েছে, 30% ভোট একত্রিত হয়ে মুসলমান সমাজ তৃণমূল কংগ্রেসকে দিয়েছে, সেই মুসলমানদের কলেজে আঘাত করেছে, কোরআনে আঘাত করা মানে মুসলমানদের কলেজে আঘাত করা। আমরা কিন্তু আইনের দিকে লক্ষ্য রেখে সাবধানে চলছি, আইনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভারতবর্ষের আইনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আইনের উপরে আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছি। को बताएंगे कि ये बांग्लादेश का रिएक्शन नहीं था त्रिपुरा, ये गंदी राजनीति का हिस्सा था त्रिपुरा, जो आज त्रिपुरा में आज आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए और इतना अच्छा इनिशिएटिव जो है वो आप लोगों ने लिया। आपने अभी कहा कि कुछ दिन पहले आप आई थी, कैंडल मार्च की थी, उसका एक मकसद ये था कि बांग्लादेश में जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जा रही थी, कुछ ऐसी हिंसा को फैलाया जा रहा था जो नाकाबिले कबूल था, जैसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और भी कई सारी ऐसी अफवाहें हैं जो उड़ रही थी, जो कि बल्कि सच थी, अफवाह नहीं थी एक तरफ से। मगर हालांकि जो बांग्लादेश में हुआ, जिसको हम लोगों ने कंडेम किया कि ये गलत है, उस चीज़ का बदला हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों चुकाएंगे? क्यों त्रिपुरा के मुसलमानों को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है जो बांग्लादेश में हुआ? ये जो है एक तरफ से हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप जिस भी मज़हब को अपनाते हैं, आप जिस भी धर्म को अपनाते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन त्रिपुरा में क्या हो रहा है कि मुसलमान की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ कुरान पाक को फाड़ते हुए कई सारी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने अफरा तफरी का एक माहौल बना रखा। आज इसी जुल्म के खिलाफ ये भीड़ जमा हुई है, बंगाल की आवाम उस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ थी, आज त्रिपुरा के खिलाफ खड़ी हुई है। त्रिपुरा में मस्जिदों को तोड़ना ये तो एक बात थी, मगर साथ ही साथ एक घटिया स्लोगन रेस किए जा रहे कि मोहम्मद तेरे बाप का नाम, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे करके घटिया स्लोगन जो है रेस किए जा रहे। ये मैं आपको बता दूं, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और आरएसएस के द्वारा ऐसे स्लोगन्स लगाए जा रहे। साथ ही साथ ऐसे स्लोगन्स, ये नहीं कि ये पहली बार हमारे हिंदुस्तान में हुआ, इससे पहले भी एक और स्लोगन जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, वो ये था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ की जो पार्टी है, जितने भी संगठन हैं, जितने भी हिंदुत्ववादी पार्टी है, उन्होंने ये मानसिकता बना ली है कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है, और सबसे बड़ा मकसद कि उनका ये मतलब ये उनका कहना है कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, इसमें मुसलमानों का कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप जय श्री राम कहते हैं, अगर आप वंदे मातरम के बढ़ चढ़ कर नारे लगाते हैं, तो ही आप देशभक्त हैं, वरना आपका जो है हिंदुस्तान में कोई आपके लिए जगह नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ वो गलत था, ये हम आज भी कह रहे हैं, मगर जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि बदला लेना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाता है। हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी संविधान में इस तरह का कुछ नहीं लिखा। आज जो त्रिपुरा में लगातार पिछले 10 दिन से पूरा राइड्स हो रहा है, मस्जिद पर अटैक्स हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पर हमला हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर खून का होली खेला जा रहा है, ऐसी गंदी राजनीति के खिलाफ हम पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन शुरू से माइनॉरिटी के हक़ की लड़ाई लड़ रहा है, और इसकी शुरुआत आज हम लोग यहाँ टीपू सुल्तान मस्जिद के चौराहे से हमने एक लंबी लड़ाई की शुरुआत की है कि अब आने वाले दिनों में इस तरह की गंदी राजनीति, इस तरह का लड़ाई मारपीट और किस फितनाबाज की राजनीति, लड़ाई की राजनीति को हम लोग बंगाल हिंदुस्तान में चलने नहीं देंगे। जिस तरह हमने बंगाल से हम इन्हें खदेड़ के भगाया है, उसी तरह अब त्रिपुरा से भी भगाएंगे, और आने वाले दिनों में 2024 में हिंदुस्तान का दिल्ली से भी हम इसी तरह खदेड़ के इनको भगाएंगे, अगर इसी तरह इन लोग गंदी राजनीति हमारे देश में करते रहें और हिंदू मुसलमान भाई भाई को लड़ाते रहें, तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। आपका डिमांड क्या है?
हमारा इमीडिएट डिमांड है कि त्रिपुरा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर एक फौरन वहाँ पर इमरजेंसी लागू करे और यह होने वाले राइट्स और लड़ाई और अटैक्स जो मस्जिदों पर और माइनॉरिटीज पे हो रहा है उसे फौरन रोके। हमारा प्लानिंग है कि हम लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का एक डेलीगेट्स बनाकर हम त्रिपुरा भेजेंगे और हम लोग वहाँ पर एक फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएंगे कि किस कारण से कहाँ से राइट शुरू हुआ, क्योंकि हर राइट की जड़ में जब आप पहुँचिएगा तो एक कड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। हम उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि ये बांग्लादेश का रिएक्शन नहीं था त्रिपुरा, ये गंदी राजनीति का हिस्सा था त्रिपुरा जो आज त्रिपुरा में आज आप लोग देख रहे हैं। दोनों मिल के रहिए, आग लगाना ये तो दुनिया बर्बाद कर दी, अपना भारत के बर्बाद कर दी, हिंदू मुस्लिम के टकरा कर दोनों को मार दिए कि अपना भारत बस में आदमी कम जाएगा। मोदी सरकार ने बन तो मोदी सरकार का तो कोई दर्द नहीं है, उसके तो बीवी बच्चा नहीं है, वो बंदा अकेला है। हम लोग के बीवी बच्चा लाख हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो दर्द हम लोग का है, उसके दर्द क्या है। तो 10 जने मिला के उसको सरकार बना दिए तो 10 जन को चाप कर गला पी। आप एक साधु संत है, कितना साधु चले गए ये लॉकडाउन, कहाँ मोदी सरकार बचा दिए। हिंदुस्तान के जनता को क्या मदद देना चाहते हैं आप? नहीं बोल, यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो है हिंदुस्तान की इज्जत को एकता को बचाएं और हम एकजुट रहेंगे तब तो चाइना से लड़ सकेंगे, पाकिस्तान से लड़ सकेंगे, अफगानिस्तान से लड़ सकेंगे। अगर हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाए, बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है तो भारत सरकार उस पर एक्शन ले, भारत सरकार जो है वहाँ के जो है विदेश मंत्री से बात करे कि भाई अगर तुम नहीं गलत करोगे तो हम तुम्हारा यहाँ से राजदूत को भगा देंगे, हम अपना राजदूत को वापस बुला लेंगे, हम तुम्हारा रिलेशन हमारा खराब हो जाएगा, तुम्हारा तुमसे लेन देन बंद कर देंगे। नहीं तो तुम अपने जनता को जो है समझाओ और हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई वहाँ रह रहे हैं उसको सेफ्टी दो। और यहाँ जो बीजेपी आरएसएस कर रहा है तो वोट के लिए कर रहा है, यूपी में इलेक्शन होने वाला है और भी दूसरे जगह इलेक्शन होने वाला है, उसको तो वोट लेना है और हिंदू मुसलमान को मरवाना है। गरीब आदमी मारा जाएगा, अमीर आदमी तो मरता नहीं, नेता का कोई बेटा बेटी मरता नहीं है, नेता का कोई प्रॉपर्टी नुकसान नहीं होता है, आम जनता का नुकसान होता है। जो गरीब हिंदू मुसलमान जो पकड़ा जाता है चपेट में वो मारा जाता है किसी भी तरीका से, तो देश का तो नुकसान हो रहा है, देश के लोग मारा जा रहा है, देश की संपत्ति में आग लगी जा रही है, कहाँ से देशभक्ति है, ये कैसी देशभक्ति है। धर्म में अंधापन हो रहा है, कहीं भी धर्म के नाम पे गलत हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, या चाइना में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है धर्म के नाम पर नंगा नाच, तो ये गलत है, उसको रोका जाए। पूरी दुनिया को रोकना चाहिए, पूरी दुनिया की सरकार को रोकना चाहिए और बुद्धिजीवी लोगों को भी सामने आना चाहिए, मीडिया वाले को सामने आना चाहिए, किसी का पक्षपाती जो है रिपोर्ट ना करे बल्कि उस पर जो है इंसानियत मर रही है उसको जिंदा किया जाए। त्रिपुरा स्टेट मुसलमान निपीड़ित निपीड़न चला अत्याचार चलाकार विश्व हिंदू परिषद बजरंग आर एस एस एकत्रित तरप्रेक्षे आज के सभा टीपू सुलतान मस्जिद चत्रे आज के गांधी स्टेडियम जावा छो किंतु एकत्रित पुलिस रिक्वेस्टे हमें करते आज के प्रतिबाद ये करलम प्रतिबाद सभा करलम आज के प्रतिबाद सभा चावार जो विषय छो भारत भारत स्वराष्ट्र दफ्तर व्यस्त हो भारतवर्षर नागरिक सुरक्षा दीते विभिन्न भावे भारत स्वराष्ट्र दफ्तर व्यक्त हो तई आज के सभा के भारत स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह पदत्याग दाबी करते साथ अपनारा जान 24 तारीख नदियाई उपनिर्वाचन प्रचार सभा गए एखानकार बिरोधी दलनेता शुभेंदु अधिकारी इस्कन मंदिर के बैरिए बोले बांग्लादेश सनातनी हिंदुरा मार खेचे एखानकार सनातनी नेतार बदला ले परिप्रेक्षिते आज के त्रिपुरा घटना आज के सभा के शुभेंदु अधिकारी के ग्रेफ्तार दाबी रेखे। तीन नम्बर जो विषय छो से एक जिन आपनारा जान पश्चिम बांगलार शांतिप्रिय मानूष एकत्रित बसबास करी एखानकार राज्य क्षमत माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय तरह से दाबी रेखे शीतकालीन अधिवेशने तर 22 जन एमपी त्रिपुरा और आसामे जो घटना घटे पार्लामेंटे दाड़िए तर निंदा प्रस्ताव आनुक दाबी भित आज के सभा।